वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपर कौर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई नो मैं बहुत टाइम बाद ये DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट द थिंग इज कि आज की डेट में ना मतलब आपको काफी सारी होम रेमेडीज यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी। किसी में बेसन में हल्दी मिला दिया, किसी में खीरा मिला दिया, किसी में टमाटर मिला दिया, चीजें मिक्स कर दी, राइस फ्लावर एंड ऑल। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं काफी रिसर्च के बाद अपने DIYs बनाती हूँ, अपने ऊपर ट्राई भी करती हूँ, तो मैं अब से आपके साथ, आज आप डेट नोट कर लो, अब से जो भी मेरे DIYs आएंगे ना, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपने YouTube पे देखा होगा। पहली बात, इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो, सारे मेरे सीक्रेट वाले DIYs होंगे, यू नो समथिंग एब्सोल्युटली न्यू एंड जो आप लोगों को नहीं पता, लाइक जो चीजें पता है वही चीजें मेरे चैनल पे देखोगे तो बोर हो जाओगे। सो आई एम गोना गेट सम awesome stuff for you। आज के वीडियो के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरी बहुत सारी मेरी प्यारी फ्रेंड्स का, मेरे सब्सक्राइबर्स का मुझे DM आता रहता है, कमेंट आता है कि केराटिन ट्रीटमेंट घर पे मैंने ऑलरेडी जो शेयर कर रखा है वो बहुत इफेक्टिव है, लेकिन बाहर से केराटिन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं पर अफोर्ड नहीं कर पाते, 5000 से स्टार्टिंग है, जो लोग 2-3 हजार का करते हैं वो नकली केमिकल वगैरह बेकार से लगा के देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नो फियर व्हेन JSuper Kaur इज नियर। मैं आपको आज अपना घर पे एक और केराटिन ट्रीटमेंट बता रही हूं, बहुत ही आसान है, काफी रिसर्च से मैंने बनाया है, और द थिंग इज कि ये वाला केराटिन ट्रीटमेंट आपके बालों में ना वापस से जान डाल देगा। लाइक आपने बालों में केमिकल्स यूज करें, कलर कराए, हेयर ड्राई यूज करते हो, हीट देते हो, कुछ भी है, पोल्यूशन वगैरह के बालों की वजह से आपके बालों में डैमेज हो गया, डल हो गए, आई प्रोमिस यू वापस जान आ जाएगी आपके बालों में। बेसिकली केराटिन होता भी यही है, केराटिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, हमारे बाल प्रोटीन से ही बनते हैं, तो वो वापस लॉक बैक करेगा, मॉइस्चर आ जाएगा, जान आ जाएगी, शाइन आ जाएगी। और केराटिन सिर्फ ये नहीं है कि बालों को स्मूथ बना देगा, सॉफ्ट मैनेजेबल शाइनी बनाएगा, लेकिन साथ में हेयर ग्रोथ भी है। यस, दैट्स द USP ऑफ JSuper Kaur कि आपको हेयर ग्रोथ भी मिलेगी। जैसे कहीं कहीं पे बॉल्ड स्पॉट्स हो गए हैं, कहीं पे हेयर फॉल की वजह से कहीं पे भी गंजापन या कहीं पे भी कम बाल हो रहे हैं, तो उसमें बहुत मदद करेगा। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो जानेंगे, और मैं आपको पूरा डेमो दूंगी कि कैसे लगाना है एंड एवरीथिंग, आफ्टर भी दिखाऊंगी। तो आपको मैं एक प्रूफ दिखा देती हूँ, लाइक मेरे बाल यहां से काफी ज्यादा कम हो गए थे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, यहां से थायराइड वगैरह की वजह से, हैवी स्ट्रेस टेंशनों की वजह से यहां से बाल, बट अब वापस से यहां पर हेयर ग्रोथ शुरू हो गई है, विच आई एम वेरी हैप्पी विद। सो एन नंबर ऑफ थिंग्स, इवन यहां पर भी मेरे बाल जो है यहां पर काफी कम हो रहे थे, बट पहले से अगर आप देखेंगे तो यहां पर बाल आने जो हैं वो शुरू हो गए हैं। सो दिस पैक वर्क्स अमेजिंगली, और मुझे भी कुछ ऐसा चाहिए था कि अलग से शाइन वाला पैक अलग, हेयर शाइन के लिए पैक अलग और हेयर ग्रोथ के लिए अलग चीजें, तो मेरे को 10 चीजें नहीं करनी, मैं चाहती हूं 10 फायदे मुझे एक ही चीज में मिल जाए। तो ये कहां पड़ा है, ये रहा मेरा DIY केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। इसका आप लगाने का तरीका देख लो बिल्कुल, और हाँ, अंडा नहीं है इसमें, वेजिटेरियन है, नो एग, क्योंकि मैं भी पर्सनली एग इज वेरी गुड फॉर हेयर, बट देन मुझे स्मेल आती है एंड मैं नहीं करना चाहती, तो इसकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। सो आप आई थिंक अब बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन हो गई के लिए, सबसे पहले हम एक प्रेपरेशन कर लेते हैं। ये आपको ओवरनाइट रखना है, पिछली रात को आप ये कर लीजिए, 2 चम्मच चावल, आप चावल धो लीजिए 2 चम्मच, और उसके बाद 1 ग्लास पानी में इसको पूरी रात के लिए भीगने रख दीजिए। राइस वाटर में बहुत अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन B, C और E होता है, जो आपके बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है और हेयर ग्रोथ में भी काम करता है। साथ में सेकंड, आप साथ में ही आप भिगो के रख सकते हैं, या मैं तो सीटी दिला ली थी, जैसे छोले होते हैं ना जो वाइट चिक पी होते हैं, उसको 2 चम्मच छोले को आप 5-6 सीटियां दिला लो, कोई नमक नहीं, मीठा सोडा कुछ नहीं डालना, ओनली वाटर एंड चिक पीज। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए आप उसको एक तरफ रख लीजिए। अब हेयर ग्रोथ के लिए हम अनियंस ले रहे हैं, वाइट एंड रेड बोथ। अनियन को आप कद्दूकस ग्रेट कर लीजिए इस तरह से, उसका जूस निकालने के लिए। देखो, आप चाहो तो अनियन में पानी डाल के पीस के फिर उसको आप स्ट्रेन करके जूस निकाल सकते हो, बट वो प्योर नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपने लिए ट्राई करी हैं, बहुत मैटर करती हैं। सो आप इस तरह से ग्रेट करके, कद्दूकस करके इसको अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, ये बिल्कुल प्योर अनियन जूस निकल आएगा। इसको आप डायरेक्टली स्कैल्प पे भी ओवरनाइट लगा सकते हो, बट एनीवेज आप ये जूस एक पैन में ले लीजिए, 2-3 प्याज का जूस ले लीजिए, साथ में जो राइस वाटर हमने सोक किया था ये मैं अगले दिन बता रही हूँ, ठीक है? ये राइस अच्छे से सोक हो चुका है, तो ये पानी में बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आ गए आपके बालों के लिए। ये 1 ग्लास पानी और आधा कटोरी जो हमारा अनियन जूस था उसको आप एक पैन में डालिए, उसमें आप डालेंगे फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज होते हैं फ्लैक्स सीड, अगेन वेरी वेरी गुड फॉर द हेयर, अमेजिंग प्रोटीन फॉर द हेयर एंड ऑल। इसको भी आप अब
इसमें 2 चम्मच अलसी डाल के इसको उबालने दीजिए। जब आप इसको बॉईल कर लेंगे तो ये जेलीफाई हो जाएगा, इसका एक नेचुरल जेल बन जाएगा। अलसी के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं ना वो आपके इस पानी में, इसमें जेल में आ जाएंगे, तो ये बेसिकली अनियन और अलसी का जेल बन जाएगा जो आपके बालों के लिए अमेजिंग है। अब अगर आप आलसी हो तो आप ये जो जेल बन रहा है ना आप इसी को सर पे लगा लो, ये भी बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए, सॉफ्ट बालों के लिए। बट एनीवे एक बार बॉईल करके कम सेक पे 2-4 मिनट रख दो, ये जेल बन जाएगा और इसको उसके बाद अच्छे से आप छान लीजिए। एंड आप मसलिन क्लॉथ में भी छान सकते हैं, बट मैं ये ऐसे टी स्ट्रेनर में ही छान रही हूँ। सो आप देख रहे हैं ये वाइट पूरा इसका जितना जेल है आपके बालों को सॉफ्ट स्मूथ शाइनी बनाएगा वो आ गया। यही आप केमिकल वाला जेल आप मार्केट से खरीदते हो या फिर आप बाहर केराटिन कराते हो, तो यही चीज़ें मैं नेचुरल एक्सट्रैक्ट करके आपको बता रही हूँ कि आप घर पे ही बहुत ही कम पैसों में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये जेल को अब हम एक जगह ठंडा होने रख देंगे। अब क्या करना है, लास्ट इसका जो स्टेप है, आप वही यूज़ कर सकते हो अगर आलसी हो तो, नहीं तो आगे आप राई, ये मस्टर्ड बोलते हैं इसको, और साथ में 1 चम्मच दालचीनी लिया, आधा चम्मच ले लो, ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ा देंगे और एक ना इरिटेशन पैदा करेंगे आपके हेयर स्कैल्प में, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। इसको थोड़े से वो छोले के पानी के साथ ही मैंने पीस दिया है, क्योंकि पीसना ज़रूरी है। अगर आप पीस के नहीं डालेंगे, पाउडर को मिक्स कर लेंगे ना, तो मैं आपको बता रही हूँ बालों में वो छोटे छोटे कण रह जाएंगे, फिर आप कहोगे ये क्या हेयर पैक है, धुलता ही नहीं है, आप 100 बार तो धो लोगे, ठीक है। तो उसको पीस के छान लीजिए, ये मेरा तरीका था। उसके बाद जो छोले लिए हैं वो पानी समेत पीस लेंगे, उसका भी एक मैश्ड अप पेस्ट बन गया जिसमें भरपूर केराटिन, भरपूर प्रोटीन भरा है आपके बालों के लिए। ये पेस्ट मैंने बहुत ज़्यादा बना लिया, आप इसको 10 दिन फ्रिज में रख सकते हो प्रिजर्व करके। अब इसमें आप ये 2 चम्मच मैं छोले का मिक्सचर डाल रही हूँ, और दालचीनी और मस्टर्ड का जो था 1-1 चम्मच ली थी उसको मैंने पीस लिया था, लिक्विफाई कर लिया था, बस यहाँ पर आपका केराटिन हेयर ट्रीटमेंट बिल्कुल तैयार है। आप इसको 10 दिन फ्रिज में आराम से बनाकर रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सीक्रेट बोनस टिप दे रही हूँ, अगर आपके बाल कर लिए और आपको ना ऑल इन वन हेयर पैक चाहिए जो आपके हेयर को ग्रोथ भी अच्छी करे और हेयर स्ट्रेट भी कर दे, अगर कर लिए हैं सॉफ्ट भी कर दे, तो आप इसमें आधा कप कोकोनट मिल्क, नारियल का दूध डाल लीजिए। आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए जेसुपर कौर स्पेस कोकोनट मिल्क, आपको मेरा वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगा, मैंने शेयर कर रखा है, प्लीज़ वो वीडियो देखो, लाइक करो, मेरे पुराने वीडियोस भी देख लिया करो यार। और ये आपका बढ़िया सा हेयर पैक तैयार है, चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हो अगर आपको कोकोनट मिल्क नहीं मिल रहा है। एंड या दैट्स इट, ये बन गया, इसको ट्राई ज़रूर करें और नीचे कॉमेंट्स करें। कौन खाएगा स्टिक? ओए गुड बॉय, ना दूंगा। अच्छा खा लो, खा लो, गुड बॉय। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आप या तो डायरेक्टली इसको ऐसे स्कैल्प में पुट कर सकते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ी सी ना कॉमेडी करनी, पकड़ना। सो यू कैन पुट इट इन द स्कैल्प लाइक दैट, बट क्योंकि हमको इसको पूरी लेंथ पे लगाना है, पास ले आओ, ठीक है। तो मैं हाथ से ही इसको लगाती जाऊंगी, मैंने ऊपर छाल ले लिया ये, सो लाइक दिस। इसको जड़ों में भी लगाना है और लेंथ पे भी लगाना है। सो रिमेम्बर, अगर आपको मेरे तोते और कुत्ते के एडवेंचर्स देखने हैं, ये पैंथर के, वो निन्नी कर रहा है, पैंथर निन्नी, और मेरा बेटा निन्नी कर रहा है, तो आप डेफिनेटली इंस्टाग्राम jsuper.com पे जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एनीवे ये मैं लेंथ तक लगा रही हूँ, तो आप ऐसे लगा कर ना जड़ों में, अभी तो मैं बालों पे भी लगा लूंगी लेंथ पे, लेकिन यहाँ पर मसाज जरूर करें, ठीक है, ऐसे, ताकि जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो स्टिम्युलेट हो जाएं, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा एक्टिवेट हो, ज्यादा हो, उससे हमारे बाल जो हैं अपने आप रीग्रो भी होंगे। एंड डू एवरीथिंग विद अ वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, कि आप मन में सोचें अरे यार ये काम वाम नहीं करेगा, तो वैसे ही काम नहीं करेगा, इसलिए अच्छा सोचें, तभी ये रेमेडी जो है आप पे जरूर काम करेगी और इसका रिजल्ट जरूर शेयर करें। एनीवे अब मैं ये पूरा लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद आप इसको कम से कम लेट्स से 1 आवर तक छोड़ेंगे, जल्दी है तो 30-40 मिनट्स तक भी चल जाएगा, बट 1 आवर तक लेट इट डू द मैजिक। हफ्ते में एक बार कर सकते हो या महीने में 2-3 बार कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स कि आपके पास कितना टाइम है और आप अपने लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हेयर वॉश करने के बाद। हे गाइस, सो मैंने बाल अपने वॉश कर लिए हैं और आप देख सकते हैं कि काफी टैंगल फ्री हैं, और वैसे तो मेरे बाल स्ट्रेट हैं, वेवी नहीं है, बट स्टिल एक जैसे कहते हैं ना, जैसे मैंने जैसे मैंने आपको बताया, आपने क्रीम लगाई उसके बाद आप ब्रश से उसको टेल कोम से स्ट्रेट भी कर सकते हो, अगर आपको कर्ली वालों को स्ट्रेट करने हैं तो, ठीक है। केराटिन आपको पता है बेसिकली क्या होता है, तो मेरे बालों में काफी टैंगल्स कम है जैसे पहले होती थी,
एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट. अभी ड्राई होंगे फिर भी मैं तब भी मैं आपको दिखाऊंगी बट यस. और हाँ मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया. और मुझे लगता है कि कुछ लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स में कि शैम्पू करना जरूरी है या सीधा ऐसे ही हेयर रिंस कर लें. तो देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरे को शैम्पू करेगा बिकॉज अनियन है थोड़ी बहुत स्मेल है. अगर आप एसेंशियल ऑयल्स एंड ऑल दैट नहीं डाल रहे तो आपको हेयर थोड़ा माइल्ड शैम्पू से ना आप वॉश कर सकते हैं. अब बाल जब पूरे सूख जाएंगे ना फिर मैं आपको मतलब मुझे बाल अभी टच करने में इतना अच्छा लग रहा है कि आई कैन रन माई फिंगर्स थ्रू यू नो माई हेयर. और वैसे भी मैं आजकल कंडीशनर बहुत अच्छा एक यूज कर रही हूँ. आई विल शेयर इट. अगर आपको नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम jsuper.kaur पे मुझे फॉलो करो. तो वो मुझे कंडीशनर बहुत बहुत पसंद है तो उसमें आई कैन रन माई फिंगर्स थ्रू माई हेयर. चलो अब बाल सूखने का वेट करते हैं. बाल ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं बालों में अटके कम है, मैनेजेबल है, सॉफ्ट और स्मूथ है, शाइन बहुत है, एक स्ट्रेट इफेक्ट भी आ गया है और साथ में हेयर ग्रोथ भी. तो है ना बढ़िया चीज. तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी दबाइए और लाइक भी कीजिए. कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा. और आप अगर ये ट्राई करेंगे तो भी बताइएगा. खैर अभी तो मुझे बहुत मजा आ रहा है अपने बालों को देख के शाइन. अगर ऐसे ही और ऑसम इफेक्टिव वीडियोस देखने हैं जो आपने यूट्यूब पे पहले नहीं देखे तो सब्सक्राइब कीजिए अपनी प्यारी जेसुपर कौर को. नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल. और इंस्टाग्राम jsuper.kaur पे फॉलो नहीं किया तो कट्टी.